वीडियो बनाओ, सबको अलग अलग समझाना पड़ता है कि ना बोलना बीच में। चलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि है क्रिएशंस बाय मी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो जस्ट प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी वीडियो है आप तक पहुंचे। तो आज की जो वीडियो है वो है आई लैशेज लिफ्ट के बारे में। अच्छा, अब क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिस पे मोस्टली 12 से 15,000 या अबव इससे इन्वेस्ट करते हैं और इसके बहुत लॉन्ग टर्म इसका इफ़ेक्ट रहता भी नहीं है। बहुत भी रहता है तो ये 2 या 3 मंथ रहते हैं, इसके बाद इसको आपको दोबारा रीटचअप करवाना पड़ता है जिसके चार्जेस 5 से 7,000 की रेंज में है। और ये जो चार्जेस मैं आपको बता रही हूँ ये 5 से 6 मंथ बैक मैंने पता किया तब की बात है। और मतलब ये कि मेरा तब माइंड बना था, फिर मैंने कुछ ऐसा टाइम हुआ कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ तो मैंने वो प्रोसीजर डिले कर दिया। तो मैंने उसका सोचा कि हर बंदा, हम में से लोकल कुछ ऐसी फीमेल है जिनके साथ ये सेम इशू होता है और वो अफोर्ड नहीं कर पाती, या तो ये होता है कि उनकी आई लैशेज़ बहुत वीक होती हैं और ये होता है कि हर टोटके आजमाने के बाद भी उनकी आई लैशेज़ ग्रो नहीं करती। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था, मेरी आई लैशेज़ इतनी नहीं थी लेकिन मैंने कोई अब मुझे साल होने वाला है कि मैं एक आई लैश सीरम मैंने खुद बनाया हुआ है घर में, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे इंशाल्लाह उस पर वीडियो बन जाएगी। तो मैं वो यूज़ करती हूँ रेगुलर नाइट को, और साइड बाय साइड अगर मुझे किसी इवेंट पे जाना हो तो ये मैं ट्रिक आजमा लेती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत नेचुरल लुक आती है इससे। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या होगा, इसके लिए आपको चाहिए होगा एक कोई भी आई लैश पेड़ ले लेना आपने, हैवी हो जो, ठीक है। उसके साथ आपके पास होना चाहिए आई लैशेस कर ले, ये ऑप्शनल है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसको एसेंशियली समझना जी कि बहुत चीज़ है ज़रूरी। और आई लैश ग्लू ले लो आप कोई भी, और आपके पास होनी चाहिए सीजर। ठीक है, तो प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। अब प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए क्या, आपने ले लेनी है, अच्छा, और इसके साइड आपको चाहिए एक ये ट्वीज़र ले लो, या फिर आपके पास इस तरह का कोई आई लैश स्पेशल मिल जाता है, इसके लिए लिफ्टर मिल जाता है, तो आप वो ले लो। ठीक है, तो ये मैंने मिनिसो से लिया था। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपने यह करना है, आई लैश को लेना है, उसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है साफ़, ताकि क्योंकि मैं जो आई लैश एक दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ ना, फिर मैं उसको गर्म पानी से वॉश करके रख लेती हूँ। वॉश कैसे करती हूँ मैं कि गर्म पानी डाल देती हूँ मैं उबलता हुआ, उसमें 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, तो जितनी ग्लू होती है वो सारी उतर जाती है और आई लैशेज़ दोबारा यूज़ करने के काबिल हो जाती हैं। कई औरतें ऐसी होती हैं कि वो एक दफ़ा यूज़ करने के बाद आई लैशेज़ फेंक देती हैं, यूज़ नहीं करती, लेकिन मुझे ये होता है कि इस तरह मैंने प्रोसेस जब या एक्सपेरिमेंट को करना होता है आई लैशेज़ के साथ, तो फिर मैं वो प्रीवियस यूज़ करती हूँ, मैं नई नई यूज़ करती नहीं, मैं सिर्फ तब यूज़ करती हूँ जब मैंने किसी इवेंट पे जाना होता है। वैसे तो मैं आपको मदद की बात हूँ, जब इवेंट पे जाने का टाइम आता है ना तब इतना टाइम मिलता ही नहीं है, तब बस ये होता है कि जल्दी जल्दी जो चीज़ सामने पड़ी है वो लगाओ और निकलने वाली करो। अच्छा, ये अब आपने उतार ली आई लैश, अब ये फोकस कर रहा है, ठीक है। इसके साथ क्या करना है, आपने इसको करना है मिड में से डिवाइड। अगर तो आप फर्स्ट मतलब आप बहुत फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हो तो आप इसके 3 से 4 पेज मतलब इसके कर सकते हो, पीसेस कर सकते हो। मैंने इसको कर दिया हाफ़ में, हाफ़ में करने के बाद मैंने हाफ पोर्शन दिया साइड पे, और ये जो मिड पोर्शन था इसको मैं और फर्दर हाफ में कर दूंगी डिवाइड। जितने छोटे छोटे पोर्शन होंगे उतना लगाने में आसानी होगी और उतनी नेचुरल लुक आएगी। तो जब भी कोई इवेंट आता है ना, तो इवेंट में ऐसे क्या होता है कि शादी पे जाने से पहले ना बाकी घर वालों के काम नहीं ख़त्म होते, वो करते कराते अपना तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि बंदा रेडी हो जाए, बस जल्दी जल्दी में जो सामने आए चीज़ आप सेट कर लो, और अगर थोड़ा सा लेट हो जाओ आप तो फिर घर वाले बोलते हैं जी कि आपकी वजह से लेट हो गए। अच्छा जी, ये मैंने कर लिए हैं 2 पीसेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन पर लगा देंगे हम ग्लू। अब ग्लू लगाने का तरीका क्या है, ग्लू हम नॉर्मली जब आई लैश पुट करते हैं तो हम लगाते हैं उसकी इन नीचे वाली साइड पे, नीचे वाली लेयर पे, मैं दिखाती हूँ आपको, हम मोस्टली लगाते हैं
कि जहाँ पे अगर आपको गोल्डन लाइन नज़र आ रही है ना, गोल्डन लाइन हम लगाते हैं आई लैश ग्लू हमेशा यहाँ पे। लेकिन जो मैं आज आपको ट्रिक बता रही हूँ उसमें आई लैश ग्लू हमने नीचे नहीं, हमने लगानी है इससे फ्रंट वाली साइड पे। मतलब ये कि आई लैश हमने इस तरह पकड़नी है, हमने इसकी ऊपर वाली साइड पर लगानी है, नीचे वाली साइड पर नहीं लगानी। थोड़ी सी अमाउंट ले लेनी है आई लैश ग्लू की आपने। कभी कभी ऐसे होता है कि आई लैश पुट कर वो आई लैश ग्लू जब आप लगाते हो ना तो वो थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप अपने हाथ पे लगा लो और फिर किसी भी चीज़ की हेल्प के उसको आप स्प्रेड कर लो आई लैश के ऊपर। अच्छा जी, अब मैंने ये आई लैश के ऊपर ग्लू लगा ली है, ठीक। अब इसको मैंने छोड़ देना है कुछ देर के लिए और मैं दूसरे पार्ट पर भी लगा लूँगी। अच्छा, कई लड़कियों को ना, अब मैंने ऑब्ज़र्व किया है, कई लड़कियों को शौक होता है कि जी हमारी सिर्फ और सिर्फ आउटर एज पे ना, मतलब आई लैश ज़्यादा हो, इनर एज पे ना भी हो तो चार्म चल जाता है। अच्छा, अब मैं आपको एक मदद की बात बताती हूँ, अगर तो ये आप ट्रिक नहीं यूज़ करना चाहते कि आपको है कि नहीं मेरी आई लैश के साथ, क्योंकि जो मैंने आपसे बताने लगी वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस भी रिक्वायर है, थोड़ा टाइम टेकिंग है तो पेशेंस भी रिक्वायर है। तो अगर तो वो आप ये स्टेप फॉलो नहीं करना चाहते तो आपकी इन्वेस्टमेंट बेस्ट किस में होनी चाहिए, आप मस्कारा अच्छा लो, ठीक है, मस्कारे की कोडिंग अच्छी कर लो। कोडिंग अच्छी नहीं कर सकते या समझ नहीं आ रही कैसे करना है तो एक वाइट मस्कारा पहले लगा लो, उसके बाद ब्लैक मस्कारा लगा लो, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर इसके साथ हो सकता है कि आप रेगुलर बेसिस पे ऑयलिंग स्टार्ट कर दो अपने आई लैशेज पे, आप लगा लो कैस्टर ऑयल, बहुत अच्छा है। कैस्टर ऑयल में डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो, ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो, एलमंड ऑयल का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो। एलमंड ऑयल नहीं है जी तो आप सिंपल कैस्टर ऑयल लेके थोड़ा सा उसको अपने आई लैशेज पे सोने से पहले लगा लो अच्छे तरीके से। अगर कैस्टर ऑयल भी अवेलेबल नहीं है तो पेट्रोलियम जेल तो हर घर में अवेलेबल होती है, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो वेजलिन मिल जाती है, वेजलिन थोड़ी सी लेके आप अपने आई लैशेज पे लगा लो और वो आप ट्रस्ट में आप हफ्ता या महीना करके देखोगे ना, आपको थर्ड या फोर्थ वीक में ही रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं तो अपने आई लैशेज पे हर तरीका समा चुकी हूँ, लेकिन एट द एंड जो मेरा काम करता है वो ऑयल ने किया है। तो ऑयल मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये उतनी देर हो गई है इस चीज़ की, तो अब हम करते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट ये है, आपने लेनी है आई लैश का पेड़, ले लिया आप लोगों ने, इसको रखना है इस तरह। इस तरह रखने के बाद आपने अपनी ये चीज़ उठा के लिफ्ट करके ये जो वाटर लाइन है इस पे नहीं लगानी, इससे थोड़ा सा आगे लगानी है। थोड़ी सी इस टाइम ऑकवर्ड लगूंगी लेकिन आप समझ जाना, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपनी आई लैश लिफ्ट करनी है और अपने आई लैशेज के नीचे लगानी है। अब मैं ये लगा, ये देखिए दोनों आईज में डिफरेंस आपको वादे पता लग रहा होगा, इसका एंड देख लें और इसका एंड देख लें, ठीक है। सेम इसी तरह आपने छोटे छोटे पीस, अगर आपसे इतना पीस भी नहीं उठाया जाता, और यकीन माने ये इतनी लाइट फील होती है ना, मतलब देखने में लगता है कि प्रोसेस बहुत मतलब वो होगा, टफ होगा, पर ऐसा नहीं है, प्रोसेस बहुत इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस आप करोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इसका मिड पार्ट लेंगे अब हम, अगर आपसे इतना बड़ा पार्ट हैंडल नहीं होता तो आप इसे फर्दर छोटे छोटे पार्ट काट के वो भी लगा सकते हैं। इसी तरह आई ऊपर करके बिल्कुल आई लैशेस की जहाँ पे बेस है वहाँ पे लगा देनी आपने आई लैश। ये देखें इसकी और इस आई का डिफरेंस देखें। अच्छा, अब क्या होता है, ऐसे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है जी कि शायद हमारी आई लैश पे बर्डन आ रहा है या बहुत मतलब फेक लुक आती है, तो इससे ये होगा कि आई लैश अगर इस तरह आप लगाते हो तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने फेक आई लैशेज लगाई हुई हैं, ठीक है। अब हम करते हैं, मैं जल्दी से वो वीडियो फॉरवर्ड करती हूँ, ये आई कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरी आई पे आती हूँ और फिर आपको कंपैरिजन बताती हूँ। अच्छा, इनर कॉर्नर पे जब आप लगाओ तो आप ध्यान रखना आप उसका इनर कॉर्नर टोटली कट कर दो ताकि आप में आई आपकी आई में इरीटेशन ना हो,
बाकी एक हर बंदे को पता है जितने आप छोटे पीसेस करके करोगे ना उतनी आपकी आई लुक ज़्यादा नेचुरल आएगी। अब आप खुद कंपेयर करके देखना ये टेक्निक कि आप आई लैशेज ऊपर लगा के जो फेक लुक आती है और जब आई लैशेज आप इन नीचे लगाओगे तो उसका फ़र्क देखना। अभी आप खुद डिफरेंस देख लो कि ये आई लैशेज इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है। अच्छा इसमें देखें और इसमें देखें कि आई की लुक की चेंज हो जाती है इस आई लैश में और इस आई लैश में फ़र्क आ जाता है। तो चलते हैं अब बाकी उसकी इवन के अब अच्छा जहाँ पे आपको लगे ना कि वैसे मुझे लगता नहीं है कि जो ये टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ इसके बाद भी आपकी आई में इरिटेशन हो। हाँ हालांकि क्या होता है कि हम जब लगाते हैं ना दूसरी आई लैश जब ऊपर लगाते हैं तो हमें बड़ा बर्डन फील होता है, आई लगता है कि ओपन ही नहीं है, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं है। और यकीन मानो ये आई लैशेज जो हैं फेक आई थिंक आपको अगर आप बहुत भी अच्छे स्टोर से लोगे ना तो आपको हार्डली 250 या 50 की रेंज तक मिल जाती है ये चीज़, ठीक है ये कोई इतनी है नहीं। और ग्लू अगर आप लोगे तो ग्लू भी 180 या 200 की रेंज में, और सीजर हर घर में अवेलेबल है। आई लैश कलर इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप ले लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है इसके बाद क्या आता है, तो ये टोटल प्रोसेस आपका, और ये है कि आप जितना मर्ज़ी चाहो कर सकते हो, ये भी नहीं आपको ज़रूरत कि आपको इसको बार बार रिटचअप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ये आपका टोटल प्रोसेस विद इन 500 या 500 से भी कम की रेंज में पड़ेगा। ठीक है तो अब करते हैं प्रोसेस स्टार्ट, बाकी जो आई लैश रह गई थी हो गया फाइनल लुक रेडी। मैंने लगाया सिर्फ आईलाइनर और वाइट पेंसिल, तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं वीडियो के स्टार्टिंग से अब तक का डिफरेंस। और इसके साथ ये कि मुझे कुछ भी मतलब फील ही नहीं हो रहा कि मैंने आईलैशेस लगाई भी है कि नहीं लगाई। आप इसे चाहो तो आप थोड़े से और पीसेस कट करके क्योंकि स्टार्टिंग है, लेकिन इसके साथ ये कि ग्लू आप बहुत अच्छी लें, आप लें स्वीट टच की ग्लू, स्वीट टच की ग्लू ले लें और पीसेस छोटे छोटे काटें ताकि आपको लगाने में भी इशू ना हो। अगर आपके पास ये आई लैश कर्लर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, उसके बगैर भी काम चल जाता है। और ये है कि आप अगर मतलब किसी मीटिंग में, कोई मीटिंग है आपकी तो आप ये लगाएंगी तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने ये सर्जरी करवाई है या सिर्फ आपने फेक आई लैशेज़ को यूज़ करते हुए ये प्रोसेस किया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं जो कि आपकी विद इन रेंज फॉल करती हूं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी काम करूंगी। तो अगर आपको थोड़ी सी भी 0.5 भी हेल्पफुल लगी हो तो आप करें लाइक शेयर और कमेंट, और दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।